रायबरेली साइबर अपराध से निपटने में जागरूकता सबसे बड़ा हथियार, SP श्लोक कुमार। रायबरेली SGS पब्लिक स्कूल में आज रायबरेली पुलिस की ओर से साइबर सुरक्षा को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने छात्र छात्राओं को साइबर सुरक्षा संबंधी जरूरी टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि तकनीकी जानकारी से हम साइबर अपराध से बच सकते हैं। जानकारी देते हुए संस्थान के जनसंपर्क अधिकारी श्री मनोज शर्मा ने बताया कि SGS ग्रुप ऑफ स्कूल के चेयरमैन रमेश बहादुर सिंह ने मुख्य अतिथि SP श्लोक कुमार को बूके देकर उनका स्वागत किया। प्रधानाचार्य डॉक्टर बीना तिवारी ने पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार को मोमेंटो देकर उनका स्वागत किया। बच्चों से मुखातिब SP श्लोक कुमार ने साइबर अपराध से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि तकनीकी जानकारी से साइबर अपराधियों से निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कभी भी अपने ATM का पिन दूसरों के साथ शेयर न करें। उन्होंने बच्चों से भी सवाल किए और उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। उन्होंने साइबर अपराध से जुड़े हुए तमाम किस्सों को छात्र छात्राओं को साझा किया। उन्होंने कहा कि जब भी आप तकनीकी का इस्तेमाल करें, सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। उन्होंने आगे कहा, यदि कोई भी साइबर अपराध का शिकार हो गया तो इसकी जानकारी टोल फ्री नंबर 1552 या 112 पर दें। अंशु श्रीवास्तव, TV इंडिया, टिंजला संवाददाता, रायबरेली। सर, क्या कार्यक्रम था और बच्चों को क्या? ये DGP महोदय के पहल पर प्रत्येक महीने के प्रथम वेंसडे को साइबर क्राइम से संबंधित जागरूकता का अभियान प्रदेश भर में चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में आज यहाँ रायबरेली में SGS स्कूल में आकर बच्चों से संवाद स्थापित किया गया। उनको साइबर क्राइम से बचने के जो उपाय हैं उनके बारे में बताया गया, साथ ही साथ क्या क्या उन्हें सावधानी बरतनी है, सतर्कता बरतनी है, इसके बारे में बताया गया। और यदि कोई साइबर क्राइम का शिकार हो जाता है तो उसे क्या समाधान मिल सकता है, कहाँ उन्हें रिपोर्टिंग करनी है, किस तरीके से वो इसमें आगे बढ़ सकते हैं ताकि जो फ्रॉड हुआ है उनके साथ उसका अनावरण हो और साथ ही साथ उनके पैसे बच जाए, इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी है, इसके बारे में भी उन्हें बताया गया। सर, इस तरह के कार्यक्रम से साइबर क्राइम पर कितने हद तक लगाम लगाया जा सकता है? देखिए, साइबर क्राइम आज के डेट में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसमें हम जितना सतर्क रहेंगे उतनी अच्छी स्थिति में हम रहेंगे, और यदि कहीं साइबर क्राइम होता है तो पुलिस उसके अनावरण के लिए भरसक प्रयास करेगी और ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी आपने एक इंसिडेंट का जिक्र किया जिसमें रायबरेली का कोई मामला था, उसके अकाउंट से 32 लाख रुपये फ्रॉड हो गया, क्या है पूरा मामला और अब तक कहाँ तक जांच? देखिए, एक प्रकरण आया था जिसमें कि एक महिला से एक व्यक्ति ने ऑनलाइन संपर्क करके उनके काफ़ी पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिए थे, और जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके साथ ये फ्रॉड हुआ है तो उनके द्वारा शिकायत की गई थी, जिसके संबंध में साइबर सेल को लगाया गया है, मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया है, और हमें उम्मीद है कि हम इसे ट्रेस करते करते इस व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे और इनके पैसे वापस करेंगे। तब क्या मॉडस ऑपरेटिव थी किस तरीके से? उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इनसे दोस्ती की और उसके बाद कुछ गिफ्ट विदेश से भेजने के नाम पर इनसे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए थे, और ये अकाउंट के डिटेल्स हम लोग निकलवा रहे हैं और उस व्यक्ति के बारे में भी जानकारी कर रहे हैं।